पुरातत्व विभाग के अंतर्गत ये मंदिर आता है। इस मंदिर आपके बारे में कुछ बताइए महाराज। और एकांत है और शांत वातावरण है। जय रामेश्वर महादेव जी। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर चिक्कलवास पालड़ी के अंदर महादेव का एक प्राचीन स्थान है, वामेश्वर महादेव। बताया जाता है कि यह स्थान लगभग 1200 वर्ष पुराना है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष में यहां एक विशाल यज्ञ का प्रोग्राम पिछले 4 दिनों से चल रहा है। वामेश्वर महादेव गांव पालड़ी 1250 साल पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। 2015 से जन्माष्टमी का मेला भरता है और लगभग 4 क्विंटल प्रसाद वितरण होता है। अच्छा, गौरी आती है, दुकानें लगती है और भव्य प्रोग्राम होता है। उदयपुर से कितना दूर है? 7 किलोमीटर दूर है। उदयपुर 7 किलोमीटर दूर है। चेटक से 7 किलोमीटर दूर है और एकांत है और शांत वातावरण है। इन्हीं शांति तो है, शांति। और 5 मंदिर एक साथ है। हाँ, और 5 शिखर है। हाँ, जय महादेव, जय महादेव। महादेव का स्थान है, साथ में हनुमान जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, कालका माता जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, 4-5 इस टाइप से और मंदिर है छोटे छोटे। पर ये मंदिर के अंदर ही एक कुंड बना हुआ है, सामने मंदिर है। कल महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पे दीपक जलाए गए थे। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। आपके बारे में कुछ बताइए महाराज।
हमारे बारे में तो जन्म भूमि है ग्वालियर मध्य प्रदेश की, और भ्रमण करते करते यहाँ पर आ गया हूँ। 40 साल हो गई इस एरिया में, 40 साल। और एक जगह रहता ना हूँ, 2-4 साल हो जाती है फिर आगे आश्रम। अच्छा, भक्त लोग और आगे से मिला आगे, आगे से आगे चलते। इस जगह कितने साल हुए? इस जगह तो अभी 4-5 महीना हुए हैं। 4-5 महीने हुए। और बस भगवान का स्मरण करते हैं और किसी की वो नहीं रखते, भगवान से आशा रखता हूँ। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जितने भक्त लोग हैं या भगवान के जितने भक्त लोग हैं उनको अच्छी बुद्धि दे और अच्छा काम धंधा दे और भगवान तन मन सुख सुखी रखे। जय महादेव। जय महादेव। तो ये कहीं भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है, एक जगह स्थिर नहीं है, साल 2 साल अभी माँ को डेवलप कर रही, अनार हिसाब कोई विकास करे, आगे नहीं कर रही, ठीक है। और न भी कोई जैसे कर रही, मतलब साधु यहाँ जगह पे कोई साधु नहीं है, पुरानी जो पड़ी है बट डेवलप कराई और आगे मतलब विकास करके अपने आगे निकल जाते हैं। और सब महादेव जी की कृपा है, महादेव जी जहाँ पहुँचा देते हैं, जहाँ अन्नदाना लिखा है वहाँ पहुँचने पड़ता है। कहते हैं कि साधु तो चलता भला बहता भला है नहीं, तो साधु चलता अच्छा रहता है, पानी अगर एक जगह रहे भरा तो वो गंदा हो जाता है, तो ये अच्छा बढ़िया शांत सरल स्वभाव है, तामसी पड़ो आप नरी जगह देखा वहाँ चिड़चिड़ापन में साधु में, लेकिन ये बहुत शांत मूर्ति है माने आए गेरी सेवा भोजन भी गए चाय वाला ले जाए। हम तो ये जानते हैं कि संसार में जो आया है वो तो वही करेगा, सही। अपने समझाने से अगर वो मानेगा तो है नहीं, उससे बढ़िया चुप, ये हम संतोष से रहता हूँ। खाना बनाने का जो भी 5 दिन जो प्रोग्राम हुआ, हाँ। उसमें जो भी भोजन आपके अंडर में था, हाँ। अच्छा, क्या क्या बनाते थे यू? हाँ। दिन में से क्या शाम को भोजन? अच्छा अच्छा, दिल्ली का कितने लोगों का बनता था दिल्ली? लगभग लगभग 400-500 रोज हो जाते थे। फरारी में एक दिन शामा साबुदाना खिचड़ी वगैरह, हलवा वगैरह, राब वगैरह ये बनती थी। शाम को कभी अलग चेंज हो जाता, शेगार में सब अलग अलग चेंज होता रोज का। कितने जनों की टीम थी पूरी आपके? 2 जन थे, बाकी सब दूसरे सब सहयोग करते थे। आज आज जैसे मान लो कितने जनों की टीम है पूरी? आज 20-25 आज जो मेन खाना हो रहा है, मेन खाने में 20-25 जन है, 20-25 जनों की टीम थी। लगभग 10-15 हजार मन का खाना है। मेन खाना तो आज है, मेन खाना आज है, मेन महाप्रसादी मेन महाप्रसादी आज है। 10 हजार का इतने दिन बाकी छोटे मोटे मतलब खाने होते थे, मतलब लगभग 6-6.5 हजार के आसपास मेन खाना आज। हाँ। जय माता, जय माता। स्तंभों के चढ़ा दीजिए, आस पास में जो भी यज्ञ मंडप है वहाँ पे चढ़ा दीजिए। पुष्प लीजिए वापस हाथ में, अग्नि का ध्यान कीजिए, चतवारि संघात्र से बाद आदि शिव गुरुति महुमर्त्या आवेश शिव शक्तिर्ने नमः। यज्ञ कुंड में पुष्प छोड़ दीजिए, सकलों जर हृदय गंदा चतुष्पाणि समर्पयामि। प्रज्वलित कीजिए, अग्नि को प्रज्वलित कीजिए, संहिता पद रहिए। स्वाहा।
Thank you.
महादेव, ये पालड़ी वामेश्वर का मंदिर है और ये पालड़ी गांव में स्थित है। चिकलवास और पालड़ी के मध्य 5-6 गांव के शमशान के बीच में है। अरावली के पहाड़ों के बीच में मंदिर है। बहुत सुरम्य और शांति प्रिय जगह है। किसी को भी किसी प्रकार की समस्या हो तो इस मंदिर में 10 मिनट भी बैठने से उसको इतनी शांति मिलती है कि उसकी वो कल्पना नहीं कर पाता है। हर शिवरात्रि को पंचदिवसीय महायज्ञ होता है। यहाँ पंचदिवसीय महायज्ञ में महारुद्र यज्ञ होता है, इसमें 2-2.5 क्विंटल घी का हवन और 7-8 क्विंटल सागले का हवन होता है। बहुत सारे देश से अलग अलग जगह से लोग आते हैं, इस महायज्ञ में बैठते हैं। सभी भक्तों पधारे हुए हैं, जिनकी बाइक बाउंड्री के बाहर पड़ी हुई है पास में, उसको आज इस महायज्ञ के पूर्णोत्ति के पश्चात महाप्रसाद ही है। महाप्रसाद में आस पास के 5-6 गाँव का सामूहिक भोजन जीने के बाद में, प्रसाद लेने के बाद सामूहिक भोजन में, सामूहिक भोजन में भगवान का प्रसाद बना है। सभी अपना भगवान का प्रसाद लेके अपने आप को धन्य करते हैं। यज्ञ के जवारे और भस्मी लेके अपने घर पे जाते हैं। सबको सुख शांति सब प्राप्त होती है। हर साल सब सामूहिक रूप से इसमें सहयोग करते हैं, किसी का निजी कार्यक्रम नहीं रहता है। सब सामूहिक रूप से इस कार्य को पूर्णता करवाते हैं। ये महायज्ञ में 15-20 ब्राह्मण रहते हैं और महारुद्र यज्ञ होता है। स्वाहाकार में 18-20 लाख आहुतियाँ लगती हैं और 5-7 हज़ार लोगों का भोजन होता है। प्रतिदिन सत्संग और विभिन्न कार्यक्रम होते हैं इस महायज्ञ में। सभी आसपास के 5 गांवों का पूर्ण सहयोग रहता है। शोभा यात्रा वगैरह सब निकलती है। पुरातत्व विभाग के अंतर्गत ये मंदिर आता है। इस मंदिर में भगवान सबकी मनोकामना वामेश्वर महादेव पूर्ण करते हैं। यहाँ पे पंच मंदिरियाँ हैं भगवान शिव की, जो औरंगजेब और मुगल काल में तोड़ी गई थी। खंडहर भी है, ये भी पड़े हैं, लेकिन मूल रूप से जो मंदिर है वो अभी भी व्यवस्थित है। उसकी नित्य सेवा पूजा प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय आरती श्रृंगार सभी होता है। और ये उदयपुर शहर के पास इतना शांति की जगह शायद मेरे देखने में एक ही है। बाकी सब जगह भीड़ भाड़ वगैरह और ज़्यादा अव्यवस्था है, फिर हो सकता है ऐसा जहाँ पे बहुत ज़्यादा पिकनिक जैसा भी बन गया है। लेकिन ये साधना के लिए भी अच्छा है और सभी क्षेत्रों के लिए, महायज्ञ के लिए, विभिन्न कथा आयोजन के लिए भी श्रेष्ठ है। इस मंदिर में सब प्रकार की सुविधा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन पुरातत्व के अंतर्गत आते हुए इसमें लोगों को धर्मशाला वगैरह की व्यवस्था कम है, जर्जर हालत हो चुकी है और बाथरूम वगैरह की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन वगैरह से सबसे अपील है इस मंदिर पे थोड़ा ध्यान देवाए ताकि इस मंदिर का विकास हो सके और लोगों को साधन सुविधा सब पर्याप्त मात्रा में लोगों को प्राप्त हो, ताकि सब अपने आप को यहाँ पे संतुष्टि पा सके हर चीज़ की। हालांकि सब संतुष्टि है लेकिन इस चीज़ की थोड़ी कमी है, तो प्रशासन इस पर ध्यान दे। जय महाराज जी, धन्यवाद। हेलो, बोलो महामेश्वर महादेव की। सभी को आवश्यक रूप से भगवान का प्रसाद लेना है, झूठा नहीं छोड़ना है। पूर्व दिशा में टंकी के पास में नल लगाए हुए हैं, वहाँ हाथ धोना है। मंदिर दर्शन के लिए जितने भी यजमान पधार रहे हैं, कोई भी बिना भोजन प्राप्त किए हुए नहीं जा रहे। ये विशेष रूप से कार्यकर्ता ध्यान रखें कि कोई भी यजमान बिना